नमस्कार, पुष्पस किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं सजने फूल का पकोड़ा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। देखिए, यहाँ 100 ग्राम सजने का फूल है। फूल को धो के साफ कर ली हूँ। सरसों का ऑयल लगेगा तलने के लिए। पानी चाहिए 120 ml, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ, 50 ग्राम प्याज बारीक चॉपिंग किया हुआ, 60 ग्राम बेसन, 60 ग्राम चावल का आटा, 4 हरी मिर्च बारीक चॉपिंग किया हुआ, 1/2 नींबू का टुकड़ा, 1 चम्मच लहसुन कद्दूकस किया हुआ। अब मैं एक बड़ा बाटी में पहले बेसन को दे दूंगी, चावल के आटे को भी दे दूंगी, हरी मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन भी दे दूंगी। आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि लहसुन प्याज के बिना भी ये पकौड़ा बहुत टेस्टी बनता है। देखिए, सब सामग्री को अब थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए बेसन को मैं एक ठो पतला डो बनाऊंगी। एक बेरी में बहुत सारा पानी नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए इसको मिक्स करना है। इससे बेटर बहुत अच्छा बनता है। देखिए, ऐसे ही चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। अब मैं इसमें नींबू निचोड़ दूंगी। नींबू देने से पकौड़ा बहुत चटपटा बनता है, खाने में बहुत टेस्टी होता है। और चावल का आटा दी हूँ, इसलिए कुरकुरे भी बनेगा। देखिए, अब मैं सजने का फूल देके मिक्स कर लूँगी। अभी सजने का फूल बाज़ार में मिलता है। सजने फूल खाना चाहिए, शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। देखिए, अच्छे से मिक्स कर लेना है। रगड़ रगड़ के मिक्स करूँगी, क्योंकि बेसन कम दी हूँ, नहीं तो ये मिक्स नहीं होगा। देखिए, बैटर तैयार हो गया है, मिश्रण। अब मैं ऑयल गरम कर ली हूँ। अब मैं छोटा छोटा पकौड़ा के जैसे दे दूँगी, और गैस यहाँ मैं मीडियम रखूँगी। मीडियम गैस में ही पकौड़ों को तलूँगी। ये पकौड़ा आप हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ खा सकते हो। देखिए, 2 मिनट पहले पकने दूंगी, उसके बाद उलटूंगी। उलट के दोनों साइड से गोल्डन कलर होने तक पकौड़ा को तल लूंगी। इस टाइम सजने फूल और डाठा, सजना डाठा मिलता है, बहुत सारा खाना चाहिए। देखिए, पकौड़ा तैयार हो गया है। अब मैं कढ़ाई के किनारे रखते हुए पकौड़े को निकाल लूँगी। इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल रहता है कढ़ाई के किनारे रखने से, एक्स्ट्रा ऑयल कढ़ाई में चला जाता है। देखिए, फिर से मैं पकौड़ा तलने के लिए दे दूँगी। सजने फूल के पकौड़ा इतना कुरकुरे और चटपटा होता है, मैं जैसे बना रही हूँ आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत सारा पकौड़ा खाए होंगे, ये पकौड़ा एकदम डिफरेंट टेस्टी लगता है खाने में। आप लोग के दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ये पकौड़ा की रेसिपी शेयर कीजिए। देखिए, दूसरा बैच भी बन के तैयार हो गया है। कितना
दिख रहा है, ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। देखिए यहाँ मैं हरी चटनी के साथ पकोड़े को खा रही हूँ। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ।